बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आप सभी दोस्तों का खैर मकदम और इस्तकबाल है कश्मीर क्राउन में। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त हम सेहत अफजा मुकाम सोनमर्ग में मौजूद हैं, और सोनमर्ग के हवाले से आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने जो है वो तशरीफ़ लाया, और इसी बीच अगर हम देखें तो सपोर्टर्स की कितनी चहल पहल है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि इस वक्त सोनमर्ग में सूरत हाल और सिचुएशन किस तरीके की बनी हुई है, वो आप खुद ही विजुअल्स में जो है वो देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके साथ साथ एसटीएफ और सीआरपीएफ के साथ साथ आर्मी के जवान भी इस वक्त सोनमर्ग में मौजूद है। और सोनमर्ग के हवाले से मैं आपको बता दूं कि होटल स्नो लैंड में इस वक्त राहुल गांधी जो है वो मौजूद है, और आप विजुअल्स में जो है वो खुद ही देख पा रहे होंगे कि आखिरकार सोनमर्ग में इस वक्त किस तरीके की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और दूर दूर से अगर हम देखें तो अब मेरा कैमरामैन थोड़ा पीछे आकर जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि इस वक्त सपोर्टर्स की चहल पहल जो है वो मौजूद है, झंडे हाथ में है, कांग्रेस के झंडे भी हाथ में है, और इसके साथ साथ सपोर्टर्स की चहल पहल आप खुद ही जो है वो देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर एक सपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन्होंने कहाँ से तशरीफ़ लाया है, आखिरकार क्या कुछ इनका कहना है। तो आप मुझे बताएगा कहाँ से आप आए हैं? पांपोर से मैं आया हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट भी है पांपोर असेंबली प्रेसिडेंट हूँ। तो आप मुझे बताओ क्या उम्मीद लेकर आप यहाँ आए हैं? मैं सुबह से आया था कि इससे थोड़ा मुलाकात हो जाएगी, हमारे हेड ऑफिस ने ये बोला था कि सबके साथ वहाँ पर मुलाकात होगी आप सोनमर्ग में, मगर यहाँ पर कोई इंतजाम ही नहीं है, हमारे सामने ही नहीं ला रहे उसको, कम से कम हम भी देखें उसके साथ बात करें कुछ। तो कैसा लगा आपको यहाँ आते हुए, तो आपकी उम्मीदें क्या कुछ थी, तो उम्मीदों के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। उम्मीद तो बहुत सारी थी, मगर यहाँ पे जब बात ही नहीं हुई तो कौन सी उम्मीद करेंगे उसके साथ फिर, जो यहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल भी ख़राब है। तो आप मुझे ये भी बताइएगा, अभी होटल स्नो लैंड में मौजूद है तो ये उम्मीद रख सकते हैं कि अभी वो बाहर आकर आपके साथ मुलाकात कर सकते हैं? अभी पूरा पता नहीं, वो निकल गया है या वहीं पे है, जैसे पहले आया था अंदर से ही कहीं से घुस गया अंदर, फिर अब बाहर निकला था, फिर से अंदर हो गया, पता नहीं वो निकला है या अभी अंदर ही है। अब हम इंतज़ार करेंगे जब तक पूरा ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट होगी, तब तक हम भी इंतज़ार करेंगे। चलिए, आप कहाँ से हैं? मैं काजीगुंड से आया हूँ। क्यों, क्या उम्मीद लेकर आप आए हैं? पूरी उम्मीद है हमें कांग्रेस पार्टी से कि अगर कुछ भला कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अभी हो सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी से हो सकता है, बाकी हमने पूरी उम्मीद छोड़ दी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी आप खुद देख सकते हो, कितने नौजवान यहाँ किस लिए आए हैं, इनके पास रोजगार भी नहीं है। इसी तरह बीजेपी ने जो महंगाई की है, मतलब गैस का सिलेंडर 1200 रुपए में मिलता है, इसी तरह चावल का एक क्विंटल पिछले 40 साल में 1000 में मिलता था, आज 4000 में मिलता है। गरीब कहाँ जाएगा? आप गरीब उसी लीडर के पास आता है जो गरीबों का काम कर सके। हमारी उम्मीद है राहुल गांधी से, इंशाल्लाह रहमान वो अंदर है, अभी वो निकलेंगे, हमसे बात करेंगे, खासकर युवाओं से बात करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आप देख पा रहे होंगे कि आखिरकार सूरत हाल और सिचुएशन किस तरीके की है। कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौजूद है। मेरा कैमरामैन थोड़ा आगे आकर आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि सूरत हाल और सिचुएशन किस तरीके की बनी हुई है, वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, आप देख पा रहे होंगे कि सूरत हाल किस तरीके की है, सिचुएशन किस तरीके की बनी हुई है। ये इस वक्त मनाजिर हम आपको सोनमर्ग से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और सोनमर्ग में सूरत हाल किस तरीके की है वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। ये आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडरान भी यहाँ पर मौजूद है, वो आप बीच वर्त में खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। खान साहब, खान साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद, छोड़ो छोड़ो भारत छोड़ो, 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 कारसुल वानी साहब जिंदाबाद, कारसुल वानी साहब जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद, ज्यादा मोहम्मद सईद साहब जिंदाबाद, मीर ज्यादा मोहम्मद सईद साहब जिंदाबाद,
بون والا کیمرہ ناظرین یہ اس وقت ہم آپ کو سونمرگ سے ویژولس دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر کار سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ ایس ٹی ایف کے اہلکار بھی سڑک پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی کے جوان بھی اس وقت سڑک پر موجود ہے۔ ناظرین کو بتا دیں کہ راہل گاندھی کانگریس کے ایک سینئر لیڈر ہے اور سینئر لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سپورٹرز کی کس طریقے کی نقل و حمل سونامرگ میں موجود ہے وہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود ہی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے راہل گاندھی کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے اور وہ آپ اس وقت جو ہے وہ ویژولز میں خود ہی دیکھ پا رہے ہوں گے۔ لائیو ویژولز ہم آپ کو سونمرگ سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ پہلے اگر ہم دیکھیں تو بھارت جوڑو یاترا جو ہے وہ راہل گاندھی کانگریس کے سینئر لیڈر کی جانب سے کی گئی اور دوسری جانب سے اگر ہم دیکھیں تو اب لہ لداخ بائک رائڈ جو ہے راہل گاندھی کی جانب سے کی گئی ہے اور اس وقت سونمرگ میں موجود ہے اور سونمرگ سے ہم نے آپ کو ویژولز دکھانے کی کوشش کی کہ آخرکار نقل و حمل کس طریقے کی رہی۔ فی الحال کشمیر کراؤن کے لیے واجد رینا کے ساتھ کیمرامین شکیل رینا سونمرگ سے یہ ایک چھوٹی سی پیشکش۔